नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से लाखों की नकली करेंसी बरामद हुई है। कैराना कोतवाली में प्रेस वार्ता कर सीओ कैराना राजेश कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि पुलिस अधीक्षक जनपद शामली देव रंजन वर्मा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा यमुना ब्रिज कैराना पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के दौरान हरियाणा की ओर से इको स्पोर्ट्स कार आती दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकवाया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को गाड़ी में जाली करेंसी के 2000 और 500 के नोट, 4 लाख से अधिक रुपए, एक स्कैनर प्रिंटर और नोट छापने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं गाड़ी और नोट छापने के उपकरण सहित दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी सागर ने बताया कि जाली करेंसी की रकम नशे का मादक पदार्थ खरीदने के लिए तैयार की थी। सर, अभी 10-11 दिन पहले नशे के लिए छापे थे सर, नशा लेना था, लाना था। उन्होंने पहचान ले लिया, नहीं नोट तो वापसी आ गया। कहाँ लेके जा रहे थे? दिल्ली से वापसी आ गए। अच्छा, जैसे दिल्ली पहले भी जेल गए इस तरीके से? जाली नोट। कल रात को हम लोग 11 बजे चेकिंग करा रहे थे, जब मंदिर के पास गाड़ी है, कार से दो लोग हैं, दो लोग आए वहाँ। चेकिंग के दौरान इनके पास नकली करेंसी मिली। नकली करेंसी इसमें 4,77,500 है। उसको हम लोग लाए, फिर उसको चेक किए गाड़ी में, प्रिंटर मशीन, स्कैनर, सारी चीज़ें जो नोट छापने वाली है उनके पास से बरामद हुआ। एक तितावी थाना मुजफ्फरनगर का है और एक देहरादून का है, दोनों जीजा साले हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना से वाजिद अली की रिपोर्ट।